किसानों ने कृषि कानून के विरोध में निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। कृषि बिल को लेकर के जहां पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, वहीं इसी क्रम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले एकत्र हुए सैकड़ों की संख्या में किसानों व मजदूरों के द्वारा कृषि बिल के विरोध में किसानों के द्वारा खेती के तीन कानून, बिजली बिल 2020 वापस लो के नारे लगाए जाते रहे। रैली में शामिल अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के जिला सचिव राजकुमार पथिक के द्वारा बताया गया कि खेती के तीन कानून से जमीन व मंडी में कारपोरेट का कब्जा बढ़ेगा, महिलाओं के जीविका के साधन छीनेंगे, सरकारी खरीद व राशन बंद हो जाएंगे, जिसके कारण किसान बेबस और लाचार होकर इन कारपोरेट घरानों की गुलामी करेगा। सरकार के द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून बिल किसानों के हित में नहीं है, जिसको रद्द करने के लिए सभी किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं जनसभा में ही शामिल अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष राम कैलाश कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि भारतीय खेती में देश की आधी आबादी जीवन बसर करती है। बेरोजगारी और आर्थिक संकट दोनों का जुड़ाव किसानों के विकास से जुड़ा है, जबकि भाजपा सरकार किसानों से जमीन व कृषि बाजार छीनकर खेती को बड़े कारपोरेट के हाथों सौंप कर खेती को औद्योगिकीकरण कर कारपोरेट को लाभ पहुंचाने का एकमात्र मकसद है, जबकि यमुना नदी से बालू खनन का कार्य नामों से बंद होने के बाद बेरोजगारी का शिकार हुए घुरपुर लालापुर क्षेत्र के मजदूरों को मनरेगा के तहत काम तो दिए गए, लेकिन मनरेगा के तहत काम करने के उपरांत भी इन मजदूरों को मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया, जिसको लेकर के आज वह सभी खंड विकास अधिकारी जसरा को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें तीन कृषि के काले बिलों को समाप्त करने व मनरेगा के मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान करने की मांग की जाएगी। सभा के बाद रैली गौहनिया बाजार से जसरा ब्लॉक पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापन को आकृति सागर राम कैलाश ने खंड विकास अधिकारी जसरा श्री देवेंद्र ओझा को सौंपा। इस मौके पर शबनम वंदना निषाद, विद्यावती सुषमा, हीरा लाल, राजकुमार फूलचंद्र निषाद, विनोद निषाद, सुरेश निषाद, रामू निषाद, हरीश चंद्र पटेल आदि उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। सर, आज किसान यूनियन भानु की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनकी मांगे क्या हैं? पहली चीज तो है कि ये ज्ञापन जो है बिना किसी पूर्व सूचना के था। यहाँ पर भीड़ देख करके मैंने SHO भूतपुर से बात किया, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई सूचना थाने में नहीं है। ज्ञापन के संबंध में इनके ज्ञापन में 13 मांग है, इसमें से जिस किसान आंदोलन जो किसानों की बातें हैं, मनरेगा को लेकर के इनका कहना है कि मनरेगा की मजदूरी जो 201 रुपया प्रतिदिन है उसको बढ़ा करके 500 किया जाए। इनके ज्ञापन, वह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, उस ज्ञापन को हम कॉपी बना करके जिलाधिकारी महोदय प्रस्तुत कर रहे हैं। वो नरेगा के मजदूरों की मजदूरी के विषय में कुछ बातें हो रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? नरेगा की मजदूरी के विषय में हम शासन से निर्देश प्राप्त है कि जब किसी भी कोई मस्टर रोल जिस दिन उसका ड्यू डेट होती है उसके 15 डेज के अंदर, 15 दिनों के अंदर हम उनका एक्टिव कर देते हैं, और 15 दिनों के बाद एक्टिव करने पर हमारे ऊपर आर्थिक दंड लगता है। हमारे ऊपर मीन्स की PO के ऊपर, PO ऊपर इस ब्लॉक का टाइमली पेमेंट 99.9% है। तो ये कहना कि मेरे स्तर से कुल मिला करके विकास खंड स्तर से हमारी यहाँ पर जवाबदेही है, किसी प्रकार का कोई विलम्ब भुगतान नहीं किया जाता है। होता क्या है कि लाभार्थी को जब तक खाते में पैसा नहीं जाता है तब तक उनको लगता है पेमेंट ब्लॉक से नहीं हुआ है, जबकि इधर से एक्टिव हो जाता है और वो टेक्निकली बैंक से पैसा जाने में कभी कभी समय लग जाता है, 2-3-4 दिन में भुगतान होता सकता है। आज आप लोगों ने रैली निकाल के जसरा ब्लॉक मुख्यालय पर वीडियो को ज्ञापन दिया, किस कारण? आज अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा प्रगतिशील महिला संगठन के नेतृत्व में खेती के जो तीन कानून बनाए गए हैं उसका विरोध
के स्वरूप में ये ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ बी डी ओ साहब के कार्यालय आए हुए हैं। खेती के तीन कानून जो हैं, मंडी बाईपास कानून, ठेका खेती, उसके बाद जो है FCI, जो निजीकरण किया जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस कानून के वापस करने के लिए लड़ाई जारी है। जो दिल्ली में आज 55वें दिन किसान बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर के आज BDO साहब को ज्ञापन देने के लिए रैली का नेतृत्व करके आए हुए हैं। जो आज आंदोलन चल रहा है, आज देश भर में किसान महिला दिवस है, किसान महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई और उन्होंने ये दावा किया कि आज देश भर में जो महिलाएं खेत पे काम करने वाली हैं उनका काम घट रहा है, इसलिए हम लोग अपनी भागीदारी कर अपने रोजगार को बचाने के लिए कारपोरेट का विरोध कर रहे हैं। आज इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के ये ज्ञापन दे रहे हैं। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला महासचिव राजकुमार पथिक।